इन दो में से कौन से कलर ज्यादा बेस्ट है, चलो देखते हैं। ये है आर्टिस्ट वाटर कलर, इसके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और ऑयल पेस्टर कलर मेरी वीडियो को लाइक कर सकते हो। ड्राइंग शीट के एक तरफ मैं वाटर कलर लिख देता हूँ और दूसरी तरफ मैं ऑयल पेस्टर कलर लिख देता हूँ। फिर सोचने लगता हूँ क्या बनाऊं, जब भी मेरे माइंड में आता क्यों ना आज ड्राइंग को ट्विस्ट के साथ बनाऊं। आज का ट्विस्ट ये है कि एक तरफ मैं बनाऊंगा क्रिसमस ट्री और दूसरी तरफ बनाऊंगा नॉर्मल ट्री। वैसे तो ये देखने में बहुत ज्यादा अजीब लगेंगे, लेकिन आप लोग मुझे कमेंट करके बताना कौन सा ज्यादा अच्छा लग रहा है। स्केच तो बन के तैयार हो गया था, बातचीत में कलर करने की। सबसे पहले मैं आर्टिस्ट वाटर कलर से इसमें कलर करूंगा। अब जैसे कि आप सबको पता है कि आर्टिस्ट वाटर कलर बहुत अच्छे से मर्ज हो जाते हैं, तो इन्हें बहुत अच्छे से मर्ज करते हैं, बहुत बढ़िया सा कलर फिल कर रहा हूँ। बचपन में तो मैंने बहुत ज्यादा क्रिसमस ट्री बनाया, लेकिन आज मैं बहुत टाइम बाद बना रहा हूं। तो कलर तो हो गया था बात जिसमें ब्लैक कलर से आउटलाइन करने की। बिना आउटलाइन के तो सारी ड्राइंग अधूरी लगती है, तो दोनों में आउटलाइन हो चुकी थी। अब बात जिसमें ऑयल पेस्टर कलर करने की। ऑयल पेस्टर कलर फिल करने से पहले मैंने आउटलाइन इसलिए की क्योंकि ऑयल पेस्टर कलर के बाद आउटलाइन नहीं होती। जैसे कि आर्टिस्ट वाटर कलर अच्छे से मर्ज हो जाते हैं, वैसे ही ऑयल पेस्टर कलर एक दूसरे में बहुत बढ़िया तरीके से मर्ज हो जाते हैं। और देखते ही देखते मैंने ऑयल पेस्टर कलर भी फिल कर लिए थे। अब इन दोनों में से कौन सा ज्यादा अच्छा लग रहा है।